एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अच्छा प्यार समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। चुनाव दिन पे दिन पास आ रहा है, लोग गुलबंद हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सब लोग एनडीए के पक्ष में है और एनडीए को उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 2 लाख से अधिक मतों से यहाँ की जनता जिताएगी। जीत रहा है, मोदी जी का और नीतीश जी का लहर है। अगर पूरे देश में कोई ताकतवर नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी ही बदल सकता है। हाँ, देश को मोदी ही बदल सकता है। हाँ, देश को मोदी ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। समर्थन मिल रहा है, पूरा भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। जीत का डंका बजाना है, एकदम फूल डंका बजाना है। हाथों को मजबूत कर देना, पूरा मजबूत करना है। मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। नीतीश कुमार के कार्यों को देखते हुए सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। अब की बार मोदी नीतीश कुमार। आज हम लोग पचमंजिला मंदिर से शुरू किए हैं लोग एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ। काफिला ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का है, एनडीए सरकार का है। एनडीए ने जो 10 सालों में अपना जो काम किया है उसका रिजल्ट पाने का है। काफिला समीकरण का भी है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल तक जो भगवाकरण से बचना चाहते थे, देश को बचाना चाहते थे, आज भगवा में इतनी शक्ति है और नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों में इतनी शक्ति है, इतनी पारदर्शिता है कि उनके आगे सब लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना है। इसे सनातन धर्म वालों को मन में उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए विपक्षियों के पेट में दर्द है, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए। देखिए, आप लोगों ने देखा कि पिछले 4 तारीख को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का नामांकन था। उस दिन ये साफ हो गया कि हमारा जो प्रत्याशी हमारे बीच है उसे जनता भरपूर स्नेह प्यार और अपना आशीर्वाद देकर विजय श्री हासिल कराएगी और दिल्ली भेजेगी।
भगवा सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को वोट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। यहाँ हम जो सिवानी की जनता जिस प्रत्याशी को वोट करेगी वो सीधे दिल्ली में कमल खिलाने का काम करेंगे और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार स्थापित होंगे। आपने देखा होगा कि अभी 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ये कहीं ना कहीं उनके दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है कि आज आरक्षण मिला, तो महिलाएं कहीं ना कहीं से मजबूत होगी और महिलाएं मजबूत हो रही हैं। क्या अपील करेंगे? भगवा ध्वज फहराएगा सिवान फिर से? बिल्कुल बिल्कुल फहराएगा, सिवान की जनता मूड बना चुकी है और भगवा ध्वज फहराएगा। जनता से मैं अपील करूंगी किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमारे दिख रहे हैं मोदी जी के लिए, हम लोग काम करते हैं मोदी लिए, काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए। किसको जिताएंगे? नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, विजय लक्ष्मी को जिताएंगे, डांका ना होलियो खेले इंसान का मतलब ना भगवा पहन रहे सब लोग पहन रहे, ये तो खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी के आने पर सब लोग भगवा पहन रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। अरे जात में भारत को मत बांटिए, भारत एक सुंदर देश है, जात में बांटने की जरूरत कोई जात कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं कर रहा है, सब फालतू मनोज भैया हैं यहाँ पे, कुंदन सिंह है, मनोज सिंह है, व्यास सिंह है, अभी घूम रहे हैं। दहार का लगाना है बस, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। कहाँ भ्रमित है? 16 टोली है, ऐसा एक सिवान जिला का पहला प्रथम मोहल्ला है कि जिसमें 90% वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हर एक बार मिलती है। 2014 अरे देखिए सब कोई घूम रहा है, सब किसी के साथ घूम रहा है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी प्रत्याशी आएगा सबको सब कोई घुमाएगा, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी के। अब की बार 400 पार, आप देख रहे होंगे हम लोग प्रभात फेरी में निकल रहे हैं, महिलाएं छतों से निकलकर आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा नौजवान का काफिला प्रत्याशी के साथ हम लोग के साथ चल रहा है, आशीर्वाद दे रही है दूसरों को। चुपचाप कमल छापा जो कुछ लोग घूम रहे हैं भगवा पहन के, भगवा पहन के कुछ दिन के लिए हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग भी जुटाते हैं, मोदी काम भी करते हैं, मोदी का विकास बोल रहा है और नीतीश कुमार का विकास बोल रहा है, डंका बजे 14 में बजा, 19 में बजा, 24 में बजेगा, 24 में ऐतिहासिक बजेगा। पूरा चेहरा तो मोदी जी ही है, चेहरा कोई कैंडिडेट नहीं है, हाँ स्थानीय चेहरा है, ये सिवान की चेहरा है, और जो भी एनडीए के नेता है चाहे मनोज सिंह जी हों, चाहे मनोज सिंह जी हों, चाहे मंगल पांडे जी हों, या श्याम बहादुर सिंह हों, कविता सिंह जी हों, सब लोग तो हम लोगों के साथ ही लोग खड़े हैं, कोई इधर उधर है क्या? ठीक है, मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे इस बार। अरे भैया पूरी मजबूती किए हुए हैं, इतना मजबूती है कि विपक्ष की हवा निकल जाएगी यहाँ से। हवा टाइट, क्या कहेंगी जनता से? हम रही अपील बा कि सब लोग हमारे के वोट दे, चुनाव हमारा ना हो, पूरा सिवान जिला का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है, बहुत बढ़िया, कुमार जी का चुनाव है, क्या बात, मेरे जनता का चुनाव है, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा स्वागत आपके नज़र में पूछा जाए, आप विजय लक्ष्मी जी के प्रभात फेरी में प्रतिदिन रह रहे हैं, आप केवल बताएं कि कहाँ सबसे अच्छा स्वागत हुआ? बिल्कुल फहराएगा, सामने आपके सभी लोग भगवाधारी चल रहे हैं, हमारे प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी का विजय सुनिश्चित। रग रग में मेरा, रग रग में हिंदू का खून बह रहा है, तन मन में हिंदू, रग रग हिंदू, मन मन हिंदू, सभी के मन में है, आप कपड़े से मत जाइए, कपड़ा कुछ नहीं कहता, मन में हिंदुत्व है, हिंदू के भाव को जगाना है। एनडीए का समर्थन किया जा रहा है, आप डेली कैंपेनिंग में सुबह में रहते हैं हम लोग के साथ, आप देखते हैं कि मैंने अपार समर्थन और लोगों का समर्थन मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोकेंगे कोई नहीं, बोकेगा कोई नहीं, बोकेगा, सब लोग अपने जगह पे हैं किसी के साथ, लेकिन वोट देंगे मोदी जी के नाम, डंका बजेगा और भगवा ध्वज फहराएगा सिवान में, 100% डंका बजेगा और भगवा फहरा गया है, देख रहे हैं कि विपक्षी भी हम लोग का जो भगवा पहन के घूम रहे हैं लोग, ऐसा थोड़े है, भगवा फहरा गया फूल के, हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं, साथी हैं, एनडीए के प्रत्याशी के सहयोगी हैं,
तो इसमें खुल के आने की क्या बात है, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं। कितने वोट से सिवान में लीड करेंगे लोग, मिनिमम 3 लाख विरोधी घबरा जाएंगे पूरा। ऐतिहासिक जीत होगा इस बार, इस बार ऐतिहासिक जीत होगा, इस बार सिवान में कोई लड़ाई है ही नहीं। बहुत सारे प्रत्याशी जो कर रहे हैं जीतने के बाद मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी तो मोदी जी के हैं, मोदी जी ने भेजा है इनको, तो इनका तो गारंटी है और मोदी की गारंटी है, इसलिए जनता जो है कहीं बहकावे में किसी के भटकावे में आने वाली नहीं है। इस प्रत्याशी के प्रति लोग आश्वस्त हैं, एकदम निर्भीक हैं, अपने मन से हृदय से अपना आशीर्वाद सहयोग दे रहे हैं। जो भ्रमित हमको लग नहीं रहा है कि कोई भ्रमित है, अगर कोई भ्रमित होगा भी तो वो भी आ जाएगा, वो भी समझ जाएगा, समझ रहा है धीरे धीरे, बहुत तेजी से लोग समझ रहे हैं। गंगा के चोट पे जीतवा देना है, एकदम गंगा के चोट पे जीत रही है प्रत्याशी, जीतवा नहीं देना है, जनता जो है तय कर लिया है, मन बना लिया है। सीमान वासियों से मेरा अपील है, मेरा आग्रह है कि कहीं किसी का बाकावे में ना आए, लक्ष्मी जी को बहुमूल्य वोट देकर अपार मतों से बीजेपी बनाए, यही मेरा आग्रह, मेरा विनती है, बहुत बहुत धन्यवाद।